नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 और 2 दिसंबर की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, इसके साथ बात करते हैं कि दिसंबर माह के पहले 2 दिन आप सभी के लिए कैसे व्यतीत होंगे, यश में घरों की स्थिति कैसी होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 2 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन 2 दिनों को और भी ज़्यादा भाग्यशाली बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पोस्ट लाइट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 1 दिसंबर की बात करें तो दोस्तों इस दिन बुधवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन चित्रा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो सौभाग्य नाम का शुभ योग और शोभन नाम का शुभ योग इस दिन रहने वाले हैं और पहले दिन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे योग से पहले दिन की शुरुआत हो रही है। राहुकाल के समय इस दिन बस आप सावधान रहें और इस दिन यह समय रहेगा दोपहर के 12:15 से लेकर दोपहर के 1:35 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन कन्या राशि के उपरांत तुला राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों 2 दिसंबर की बात करें तो इस दिन गुरुवार का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होगी और दोस्तों इन दिन स्वाति नाम का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएंगे। ये दिन दोस्तों अतिगढ़ नाम का भी शुभ योग रहेंगे और यह योग भी आपके लिए भाग्यशाली होंगे, परंतु राहु कल के समय आप सावधान रहें और इस दिन यह समय रहेगा दोपहर के 1:36 से लेकर दोपहर के 2:56 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन तुला राशि पर संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन 2 दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का ये जो गोचर है आपकी राशि पर, आपकी दैनिक दिनचर्या पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय धन धान्य अचल संपत्ति तथा आर्थिक लाभ की दृष्टि से बेहतर फलदायक साबित होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो दोस्तों यह समय पद पोषण की प्राप्ति के लिए जो समय है उन्नतिदायक समय होगा। किसी नए जिम्मेदारियों को निभाने का यश में आपको मौका मिलेगा जिसे पोजीशन भी प्राप्त होने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, यश में अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, दिन जो है मिला जुला रहेगा। नकारात्मक विचारों से यश में आप दूर रहें, अन्यथा यश में जो है मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। क्रोध पर यश में नियंत्रण रखें और वाणी पर आप जो है यश में संयम रखें। पारिवारिक वातावरण यश में अच्छा रहेगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आपकी बातों से किसी को ठेस न पहुंचे। मैं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे, कुछ जो है सामाजिक जिम्मेदारियों के निभाने का समय हो सकता है। आपको जो है अपने लिए कुछ आध्यात्मिक उन्नति का मौका मिल सकता है। किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का भी आपको मौका मिलेगा। किसी की बात से यदि आप अभी तक जो नाराज हैं तो दोस्तों उस व्यक्ति को आप माफ़ कर दें, माफ़ करने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों किसी भी कार्य या फिर रिश्ते में अत्यधिक प्रयास करने की बजाय उसे समय के साथ संभालने का मौका देना चाहिए। दोस्तों, ये समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो समय होंगे इन दिनों के लिए आपके करियर के मामले में, काम में अपना फोकस आप बनाए रखें। बेकार की बातों में पढ़कर जो है अपने लक्ष्यों से आप अलग ना हो तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, ये जो समय है आपके व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कारोबार में धन लाभ और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। दोस्तों, कार्यों में सफलता के साथ धन लाभ की स्थिति भी बनेगी और आर्थिक स्थिति या समय जो है आपकी मजबूत होगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, दाम्पत्य जीवन में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तभी आगे अच्छी स्थितियाँ आपके लिए आएंगी। वहीं दोस्तों अनावश्यक छोटी छोटी बातों पर जो है कासुनी होने के कारण विवाद हो सकता है। वहीं दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, आपको कुछ पुरानी बातें या फिर पुराने रिश्ते जो है परेशान कर सकते हैं। वहीं दोस्तों यह समय अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में, अगर शुगर या फिर ब्लड प्रेशर जैसी किसी बीमारी से आप परेशान हैं तो दोस्तों ये समय आपको जो है सावधान रहने की सलाह है। वहीं दोस्तों यह समय 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 पर आप जो है योगाभ्यास और ध्यान करते रहें जिससे आपका शरीर ऊर्जावान रहेगा और आप जो है प्रत्येक कार्य को चुस्ती फुर्ती के साथ संपन्न कर पाएंगे। दोस्तों इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 2।
दोस्तों इन दिनों में लोगों से संपर्क करना और मिलना आपको पसंद नहीं रहेगा। जो प्रवृत्तियां करने में सावधानी रखनी पड़ेगी वे प्रवृत्तियां करना आपको यश में पसंद आएगा। अर्थात दोस्तों दैनिक प्रवृत्तियों के अतिरिक्त विशेष किन्हीं प्रवृत्तियों में आपका जो है मन नहीं लगेगा। इस समय दोस्तों गणेश जी आपको अच्छा पठन करने की सलाह देती हैं। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों ये समय टेक्निकल समस्याएं आपको जो है परेशान कर सकती है, लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि आप इनका मूल कारण जो है ढूंढने में सफल होंगे। अधिक सुविधाओं के लिए आप अपने HR के सामने मांग रखने का जो ये दिन है बहुत अच्छा दिन होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपके और आपके साथी के बीच विचारों में मतभेद सामने आ सकते हैं। ये समय दिल के मामलों को गंभीरता से लेने का समय होगा। ऐसी स्थिति में गणेश जी का सलाह है कि मतभेदों से बचने के लिए जो है तर्कसंगत होने से आप बचें। दोस्तों यह समय आपको स्थिति को संभालने या फिर ये कला अपने साथी से सीखने की जरूरत हो सकती है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आप अपने आप को एक बेहतर वित्तीय स्थिति में पाएंगे। दोस्तों आप अपने प्रोफेशनल ग्राफ को ऊपर की ओर उठा सकते हैं या फिर उठता हुआ देख पाएंगे। दोस्तों यह समय आपके अपने पिछले निवेशों को लेकर कोई पछतावा नहीं होगा। वहीं दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में गणेश जी का मानना है कि आपको मतभेदों को दूर करने और अपने सहयोगियों के साथ जो है सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने काम में सफल होंगे, लेकिन दोस्तों इसमें आप जो है बहुत सारी ऊर्जा को भी खर्च कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य इसमें अच्छा रहेगा और आप जो है पूरे दिन प्रसन्नचित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। वहीं दोस्तों यह समय थकाऊ और उबाऊ दिन को अलविदा कहने के लिए एक बढ़िया डिनर की योजना बनाएं। उनका साथ जो है आपके शरीर में फिर से ऊर्जा भर जाएगा। अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो दोस्तों वह फायदेमंद साबित होगा। घर में उल्लास का माहौल आपके तनाव को कम कर देगा। आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मुख दर्शक जो है इसमें न बने। आपका काम जो है दर निकार हो सकता है क्योंकि आप अपने पीर की बाहों में खुशी, आराम और उल्लास महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई रोचक मैगजीन या फिर उपन्यास पढ़ने के लिए ये जो दिन है आपके लिए अच्छी होगा और आप ये उपन्यास को पढ़ के ये समय को व्यतीत कर पाएंगे। वहीं दोस्तों वैवाहिक जीवन में जो है निजता का ध्यान आपको रखना चाहिए, लेकिन ये जो दिन है आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के करीब जाना चाहेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको गुरुवार के दिन जो है तेल नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों इन दिनों में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों यश में आप सबसे पहले पीपल के एक पत्ते पर देसी घी और लाल सिंदूर को मिलाकर उसमें ओम लिखें और फिर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। इसके उपरांत दोस्तों दूसरा उपाय, इस दिन आप पान के पत्ते को वहां रखें जहां आप अपना धन रखते हो। दोस्तों इस उपाय को आपको करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्द ही आपको आर्थिक समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।